आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि तृतीया और बुधवार का दिन है। तृतीया तिथि आज शाम 4:52 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। यहाँ एक बात समझ लेते हैं कि आज उदया तिथि तृतीया है, और जैसा कि मैंने बताया कि तृतीया तिथि आज शाम 4:52 तक ही रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी और चतुर्थी तिथि कल शाम 6:27 तक रहेगी, एवं चतुर्थी तिथि की संध्या के समय भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने का विधान है, और चतुर्थी तिथि की संध्या आज ही पड़ रही है, लिहाजा आज ही संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आज विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, और आज का दिन तो और भी विशेष है क्योंकि आज बुधवार के दिन संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी पड़ रही है। आप जानते हैं कि सप्ताह के सातों दिनों का संबंध किसी न किसी देवी देवता से है, बुधवार का संबंध भगवान गणेश से समझा जाता है, लिहाजा आज का दिन भगवान गणेश की उपासना के लिए बड़ा ही अच्छा है। आज पूरे दिन उपवास रखकर शाम को चंद्रोदय के समय व्रत का पारण किया जाता है। साथ ही आज चंद्रोदय का समय भी बता देता हूँ, आज चंद्रोदय शाम 7:55 पर होगा। आज भगवान गणेश की उपासना, उनके कुछ खास उपाय करके आप कैसे अपने कार्यों को साध सकते हैं, हम इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। लेकिन योग और नक्षत्र से भी पहले एक बात चीज देखिए, कुछ लोग गणेश जी को बुध ग्रह से जुड़ा और बुधवार से जुड़ा मानते हैं, कुछ लोग गणेश जी को केतु ग्रह से जुड़ा मानते हैं, और केतु ग्रह के लिए अधिकांश अनुशंसा बृहस्पतिवार की शाम की। खुद बृहस्पति से संबंधित चीजों को पहनने के लिए भी शाम का समय प्रशस्त माना गया। तो अब प्रश्न यह है कि हम बुधवार गणेश जी, कोई बुराई है क्या? बुधवार कोई इनिमिकल नहीं है गणेश जी की उपासना के लिए, और गणपति तो ऐसे देवता है कि आप किसी भी दिन किसी भी देवी देवता की पूजा करें तो पहले गणेश जी की कर लें। तो अगर ऐसा कोई संदेह है आपके मन में हो तो उसे उन्मूलन करिए, और गणपति की पूजा सब दिन की जा सकती है, और हर दिन कभी हम चर्चा करेंगे आपको कि किस दिन गणेश जी के किस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। जैसे अक्सर हम आपसे कहते हैं कि बृहस्पतिवार को हरिद्रा गणपति की पूजा करनी चाहिए, हम बृहस्पतिवार की शाम केतु से रिलेटेड गणपति की पूजा करनी चाहिए, बुधवार के दिन गणपति के इस रूप की पूजा करनी चाहिए, गणपति के साथ गौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए, और मंगलवार को अगर यही तिथि पड़ जाए तो आपको हेरम्ब गणेश की उपासना करनी चाहिए। ये सारी चर्चा हम आपसे अक्सर करते हैं, किसी दिन हम बहुत विस्तार से सप्ताह के सातों दिन का अलग अलग करके आपको चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की। तो आज दोपहर 12:04 तक इंद्र योग रहेगा, उसके बाद वैद्यत योग लग जाएगा। यदि कोई राजपक्ष का कार्य रुका हो तो उसे इंद्रयोग में प्रयास करेंगे तो पूर्ण होगा। वहीं अगर वैद्यत योग की बात करें तो वैद्यत योग स्थिर कार्यों के लिए तो ठीक है, लेकिन भाग दौड़ वाला कोई काम या यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में अवॉइड करना ज्यादा अच्छा रहता है। साथ ही आज देर रात 12:45 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में पुष्य 8वां नक्षत्र है, ये शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में माना जाता है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। पेड़ पौधों में पुष्य नक्षत्र का संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को आज पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, इंद्रयोग, वैद्यत योग और पुष्य नक्षत्र की, और अब बात करेंगे आज पढ़ने वाली भद्रा की। आज शाम 4:52 तक भूलोक यानी पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। हमने कई बार चर्चा की है जिस दिन चंद्रमा कुंभ मीन कर्क या सिंह राशि में होता है उस दिन पृथ्वीलोक की भद्रा होती है। आज चंद्रमा कर्क राशि में है, पृथ्वीलोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्य करना वर्जित होता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने से बड़े ही सटीक रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन करवाने के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, और किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, और दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाली भद्रा की, और अब बात करते हैं आज बुधवार और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के। अगर आप विद्यार्थी हैं और चाहते हैं कि कॉलेज प्लेसमेंट में आपका नंबर आ जाए,
और आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, या माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को कॉलेज प्लेसमेंट में नंबर आ जाए, तो आज आपको श्री गणेश भगवान की विशेष सफलता प्राप्ति मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम गण गणपताये नमः। गणपत्ये नहीं, आधा ता नहीं, पूरा ता है। ओम गं गणपताये नमः। ओम गं गणपताये नमः। देखो कुछ लोग इसमें ओम लगाने की अनुशंसा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आप ओम नहीं लगाएंगे तो भी काम करेगा, लगाएंगे तो भी काम करेगा। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से कॉलेज प्लेसमेंट में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप जीवन में प्यार और शोहरत पाना चाहते हैं तो आज 5 इलायची और 5 लौंग के जोड़े लेकर, 5 जोड़े इलायची और 5 जोड़े लौंग लेकर भगवान गणेश को चढ़ाइए, साथ ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में खूब प्यार और शोहरत मिलेगी। अगर आप बिजनेस पार्टनर के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज आपको मिट्टी से बनी गणेश जी की छोटी सी मूर्ति लेकर अपने बिजनेस पार्टनर को गिफ्ट करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे। अगर आपको कोई बार बार परेशान कर रहा है या कोई आपसे ऐसा काम निकलवाना चाह रहा है जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरीके की परेशानी से बचने के लिए आज आपको श्री गणेश भगवान के आगे हाथ जोड़कर संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप खेल या राजनीति के क्षेत्र में अपना परचम लहराना चाहते हैं तो अपना एक रुतबा कायम करना चाहते हैं तो आज आपको श्री गणेश भगवान के आगे इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं। ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं। गणेश भगवान के मंत्र जप के लिए एक बात का ख्याल जरूर रखें कि जप के लिए तुलसी से बनी हुई माला नहीं लेनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में तुलसी या तुलसी से बनी किसी भी चीज़ का उपयोग वर्जित है। तुलसी के बजाय आप लाल चंदन, स्फटिक या फिर रुद्राक्षी माला को उपयोग में ले सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से खेल और राजनीति के क्षेत्र में आपका रुतबा कायम रहेगा और आपकी तरक्की होती रहेगी। अगर आप अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको पक्षियों के लिए एक जल से भरा मिट्टी का बर्तन लेकर किसी गणेश मंदिर में जाकर रखना चाहिए। यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि जल चिड़ियों के लिए रखना है, पक्षियों के लिए रखना है, कबूतरों के लिए नहीं। आज के दिन ऐसा करने से आपके प्रोजेक्ट की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप जीवन में नए रंग भरना चाहते हैं, नई कामयाबी पाना चाहते हैं, तो आज गणेश भगवान की पूजा के समय उन्हें लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें, साथ ही अपनी कामयाबी के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में नए रंग भरेंगे और आपको नई कामयाबी हासिल होगी। अगर आप आर्थिक रूप से लाभ और जीवन में यश पाना चाहते हैं तो आज गणेश चतुर्थी के दिन आपको श्री गणेश भगवान की कृपा से परिपूर्ण 8 मुखी रुद्राक्ष की विधि पूर्वक पूजा करके उसे धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको आर्थिक रूप से लाभ और जीवन में यश की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने ज्ञान और वैचारिक क्षमता को मजबूत करना चाहते हैं तो आज आपको चिकनी मिट्टी से बने लड्डू गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। लगभग हर घर में चिकनी मिट्टी से बने लड्डू की आकृति में गणेश जी होते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले मिट्टी से बने गणेश जी की ही पूजा की जाती है। लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी के गणेश जी नहीं है या आपको इस बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, तो आप आज ही साफ सुथरी चिकनी मिट्टी लेकर एक लड्डू की जैसी आकृति बनाइए और सूखने के बाद उसके ऊपर पूरी तरह से कलावा या निमौली लपेट दें। फिर गणेश स्वरूप मिट्टी से बने लड्डू को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें और उनके ऊपर रोली, चावल, धूप, दीप से पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और आपकी वैचारिक क्षमता मजबूत होगी। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि गणेश जी के साथ गौरी भी बनाइए, यानी वैसा ही एक गोल गोल लड्डू और बनाइए और अंगूठे से हल्का सा दबा दीजिए, बाद में वो सिंदूर भरने का काम आ जाएगा उसमें। तो इस तरह गणेश अंबिका, गणेश गौरी दोनों को बनाइए आज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।